और विदेश में शादी जैसे सिम कार्ड बदलते हैं उसी तरह शादी होता है वहां पर। हाँ, सिम कार्ड जैसे बदलते हैं ना वैसे वहां पर शादी होता है। आज शादी के लिए एक महीने के बाद चेंज कर दो। हाँ ऐसे ही होता है वहां। एक अनुमान है ना, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कम से कम 5 शादी करता है, कम से कम 5 को 10 को 15 कर लेता है। तो भारत वाला कहा कि हम नहीं कर लेके लेकिन पैसा कमा लेंगे। हाँ सही, पैसा कमाने से मतलब है। तो क्या कर, सिम बदलने में क्या दिक्कत है, है ना? वो भारत आएगा तो लेकर आएगा। नहीं लेके छोड़ देगा, कर काम खो तो हम जाते घर रहो जी। हमको काम से मतलब है। अगर लड़की इच्छुक है आने के लिए तो ठीक है, आ भी सकती है, लेकिन वो ज्यादा टिकती नहीं है। अगर थोड़ा सा उनके साथ मिस भी है, थोड़ा बहुत पैसा में कर, तो दूसरे पकड़ लेगी। तो जा, अब भारत लोगों में तेज था, बहुत लोगों ने शादी कर लिया और खूब पैसा कमाया। पैसा किसे कमाया, तो वो भी कमा रही थी, उसकी औरत भी प्लस यू कमा रही थी, उसको भी नागरिकता मिल गया। अब खूब 2-4, 10-20 करोड़ कमा लिया और वहां से छुट्टी मार दिया, ताकि हम जा रहे हैं। अब उससे कौन उनको ऐसे ऐसे कर तलाक मलाक दे। तलाक ना होने के लिए बहुत सिंपल बात है, जगह जगह सब ऑफिस खुला होता है तलाक वाला। हमारे देश में कि चैन हो जी, शादी कर दे पर कोर्ट में तार मार के लोला छोड़ दिया सर। सही बोला, तो शादी जबरदस्ती तोड़ दल होता ससुराल वाला, है ना? तो मतलब कि हाँ, औरत भी कम थोड़ी है। तो कहे के मतलब कि भारत वाला फायदा रखा है वहां पर, वहां से शादी कर लिया और शादी करने के बाद नहीं वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती। वहां शादी करो तो औरत के आधार पर नागरिकता मिलेगी ना, क्योंकि औरत वही की है, तो नागरिकता मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब उस माध्यम से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, वहां जाकर शादी कर लेते हैं। तो वहां का शादी कोई बड़की चीज नहीं है करना।